Assalamualaikum dear students. Today we will learn about the exercise of my cat. मेरी बिल्ली की exercise के बारे में हम पढ़ेंगे. Exercise में है first question, talk about the following with your teacher and then write the answer. अपने teacher से बात करें और फिर question के answers write करें. First है, is Rish male or female? क्या Rish मेल थी या फीमेल? तो मेल था, क्योंकि हिम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. तो आपने जस्ट इसके आंसर के आगे लिख देना है एम ए एल ई, मेल. क्वेश्चन नंबर बी है, डज रिश हैव हेयर और फर? क्या रिश के हेयर थे या फर थे? व्हाट इज़ इट लाइक, और ये किसकी तरह लगती थी, ये क्या पसंद करती है? रिश के क्या थे, हमें पता है फर थे. आपने जस्ट इधर लिख देना है एफ यू आर, फर. और उसको क्या पसंद थी, फिशेस, एफ आई एस एच, फिश. क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डज रिश डू इन द हाउस? रिश घर में क्या करती है? तो लेसन के अंदर है हंट्स एंड वॉक्स. सेकंड पैरा है पोएम का, हंट्स एंड वॉक्स, एच यू एन टी एस, हंट्स, ए एन डी एंड W A L K S, walks. क्वेश्चन नंबर डी है, what do you think Rish does outside the house? आपका क्या ख्याल है कि वो घर से बाहर क्या करने जाती है? तो वो माउस को पकड़ने के लिए जाती है. To catch, T O two, catch, C A T C H, catch a mouse. वो माउस को पकड़ने जाती है. Is Rish clever? क्या रिश चलाक है? Yes, Y E S, yes. In your own words, say what Rish is like. अपने words में बताएं कि रिश किसकी तरह लगती है. ये आपने अब खुद बताना है कि रिश किसकी तरह लगती है, उसके फर किस तरह लगते हैं, और वो स्मार्ट है या क्लेवर है. As you can do it. क्वेश्चन नंबर बी है, कैन यू हंट लाइक रिश? फाइंड द वर्ड्स, दे आर ऑल इन द पोइम, द लेटर आर जम. इधर जम्बल वर्ड्स हैं और आपने इनकी करेक्ट इनको करना है. सबसे पहले है टी ए सी, टै. तो आपने इसको, ये इसका करेक्ट वर्ड है सी ए टी, कैट. फिर है आर यू एफ, तो ये फर है, एफ यू आर, फर. एस एच आई एफ शिफ्ट बन रहा है, लेकिन ये नहीं, इसका फर्स्ट वर्ड करेक्ट वर्ड है एफ आई एस एच, फिश. यू एस एच ओ ई, ये हाउस है, एच ओ यू एस ई, हाउस. यू एस ओ एम ई, यूसम. तो इसका फर्स्ट वर्ड है माउस, करेक्ट वर्ड एम ओ यू एस ई, माउस. फिर वाई ए एल पी, लेकिन इसका करेक्ट वर्ड है पी एल ए वाई, प्ले. शंट, एस एच यू एन टी, शर्ट, लेकिन इसका करेक्ट वर्ड है एच यू एन टी एस, हर्ट्स. मेन, एम ए एन ई, मेन को नेम, एन ए एम ई, नेम. सी पोर्शन हमारे पास आ रहा है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन, आ प्रेपोजिशन शो द पोजिशन बिटवीन वन नाउन एंड अनदर. प्रेपोजिशन हमें पोजीशन शो करता है एक नाउन की और दूसरे की, उनके दरमियान के किसी भी चीज़ की पोजीशन बताता है कि वो चीज़ किस जगह पे है. अब जैसे एग्जांपल है, द कैट इज़ ऑन द टेबल. इधर ऑन प्रेपोजिशन है. अगर इधर ऑन ना होता, हमें ना पता चलता कि कैट कहाँ पे है. अब द कैट इज़ ऑन द टेबल, बिल्ली मेज़ पर है. इसी तरह मुख्तलिफ हैं, अंडर है, ऑन, डाउन, अप. आपने ये वर्ड्स लगा के इनको फिल करना है. तो अब ये पिक्चर देखनी है, पिक्चर के हिसाब से आपने इसके अंदर प्रेपोजिशन लगानी है. अनवर इज़ डैश द लॉग, तो अनवर इज़ ऑन द लॉग. अनवर कहाँ पे है? अनवर लॉग के ऊपर है, लॉग पर बैठा है.
द नेक्स्ट इज अनवर इज क्लाइंबिंग डैश द ट्री, तो हम ट्री के लिए वो ऊपर चढ़ रहा है तो आप यूपी, आप ये वाला यूपी आप इधर लगाएंगे, अनवर इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। सी है द लीफ इज फॉलिंग, फॉलिंग अब वो नीचे लीफ गिर रहा है तो उसके लिए हम ये वाला वर्ड डाउन, डी ओ डबल यू एन डाउन, द लीफ इज फॉलिंग डाउन। डी है द आंट इज डैश द लीफ, तो ये नीचे है, नीचे के लिए हम अंडर यूज़ करेंगे, यू एन डी ई आर अंडर, द आंट इज अंडर द लीफ।